आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। सबसे पहले हम समझेंगे रिपग्नेंट का मतलब क्या है। रिपग्नेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑपोजिट और अनफेवरेबल और एडवर्स टू अनदर पर्सन। तो ये सेक्शन क्या कहता है? कहता है रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट, यानी ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो कि क्या है, ऑपोजिट है या अनफेवरेबल है उस पर्सन के लिए जिसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये है मिस्टर ए, इसने अपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया मिस्टर बी को। अब देखो, अब ये है ट्रांसफर और यह है ट्रांसफरिंग। अब ट्रांसफर करने के कई सारे मोड्स होते हैं, जैसे कि सेल हो सकता है, ठीक है, गिफ्ट हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकता है, लीज हो सकता है और मॉर्गेज हो सकता है, क्लियर। अच्छा, लेकिन हम उन सभी ट्रांसफर्स के बारे में ही बात करेंगे जिसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हम लीज और मॉर्गेज को अभी साइड कर लेंगे। तो मान लो किसी पर्सन ने अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया दूसरे पर्सन को, तो जैसे ही एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा तो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का ट्रांसफर होगा, साथ ही साथ पोजीशन का ट्रांसफर होगा। जैसे ही ओनरशिप का ट्रांसफर होगा तो वो पर्सन जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है और जिसका प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मींस व्हाट, उसके पास सभी प्रकार के जो राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो 4 types ऑफ राइट्स होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं, ठीक है। जैसे राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, राइट टू डिस्पोज ऑफ एंड राइट टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि अब जो प्रॉपर्टी है वो ए से बी को ट्रांसफर हो गया, तो ए का जो इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में इट इज एंडेड नाउ, और बी का जो इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में इट इज क्रिएटेड नाउ। अब ये क्रिएट हो गया, यानी अब इसके पास कई सारे राइट्स आ गए। तो अब मान लो मिस्टर ए कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहा है ट्रांसफर करते समय, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय मिस्टर ए कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहा है, कुछ ऐसे कंडीशंस इंपोज कर रहा है जो कि बी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो सेक्शन 11 कहता है ये सभी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सभी जो कंडीशंस हैं वो क्या होंगे, वॉइड होंगे, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 11 को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। Let's take an example. मान लो ए ने एक पीस ऑफ लैंड बेचा, किसको बेचा, बी को बेचा। तो जनरल रूल क्या है, जैसे ही ये पीस ऑफ लैंड बी के पास आया तो बी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हो गया और उसके पास 4 तरह के राइट्स आ गए।
लेकिन ए ने एक कंडीशन इम्पोज करते हुए ट्रांसफर किया, और वो कंडीशन ये था कि ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है इसका आप यूज करोगे केवल सुगर के एंड वीट के कल्टीवेशन। तो अब जरा सोचो कि क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर के कोई कंडीशन इंपोज किया है? यस। इसमें मिस्टर ए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मिस्टर बी को कि जो प्रॉपर्टी है उसका एंजॉयमेंट आप इस पर्टिकुलर मैनर में करोगे, ठीक है? तो ये चीज क्या है? ये चीज वॉइड है, और ऐसे जो ट्रांसफर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। तो सेक्शन 11 में क्या है? सेक्शन 11 में बेसिकली उन सभी कंडीशंस के बारे में बात किया गया है, या उन सभी रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात किया गया है जिसमें एक ट्रांसफर किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए जहां उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट होता है ट्रांसफर का, और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कब क्रिएट होगा? जब प्रॉपर्टी या तो सेल किया जाएगा, या तो गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा, या तो एक्सचेंज होगा, ठीक है? उसे हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर मैनर में ही आप प्रॉपर्टी को एंजॉय करोगे। तो ऐसे सभी रेस्ट्रिक्शन क्या होंगे? वॉइड एप इनिशियो होंगे। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लो मिस्टर ए, इसने अपना ये जो बिल्डिंग था इसे मिस्टर बी को बेच दिया, सेल किया, साथ ही साथ एक कंडीशन इंपोज किया कि इस बिल्डिंग का जो इस्तेमाल है आप केवल वेयर हाउसिंग में करोगे, ठीक है? तो मिस्टर बी तो फ्री है, मिस्टर बी जैसे मन करे वैसे प्रॉपर्टी को एंजॉय करे, मन करे जिसे मन करे उसे ट्रांसफर करे, बिकॉज ही इज नाउ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ही कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी इन एनी मैनर इन विच ही वॉन्ट्स। लेकिन यहां पे मिस्टर ए ने एक कंडीशन डाला कि प्रॉपर्टी को आप इस मैनर में ही एंजॉय करोगे। तो ये सभी कंडीशन क्या होते हैं? वॉइड। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 11 बेयरज का प्रोविजन क्या कहता है। वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहां प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड एब्सोल्यूट, यानी यहां पे क्या होगा? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ध्यान रखो मॉर्गेज लीज के कंडीशन में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है, बल्कि पार्शियल इंटरेस्ट क्रिएट होता है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं पोजीशन आता है लेकिन ओनरशिप नहीं आता है, ठीक है? तो एक इंटरेस्ट क्रिएट हो एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है? बट लेकिन जो टर्म्स ऑफ ट्रांसफर है, जो ट्रांसफर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, डायरेक्ट दैट वो डायरेक्ट करता है कि सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉय बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर, यानी कह रहा है कि जो कंडीशंस हैं वो आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं और कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर मैनर में ही प्रॉपर्टी के बेनिफिट को लोगे, प्रॉपर्टी को एंजॉय करोगे। सो सच टर्म इज वॉइड, ऐसे सभी टर्म्स क्या होंगे? वॉइड होंगे। आई होप सेक्शन 11 क्या कहता है आपको समझ में आ जाएगा। यानी सेक्शन 11 में हम ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन इंपोज कर रहे हैं जो ट्रांसफरी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट को क्या कर रहा है? इन्फ्रिंज कर। क्लियर? वहीं अगर आप ध्यान दो तो सेक्शन 10 में जो कि क्या था? कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। हम ऐसे कंडीशंस इंपोज कर रहे थे जो कि उसका राइट टू डिस्पोज ऑफ वाला जो राइट था कि वो प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वहां हम उसके थर्ड राइट, राइट टू डिस्पोज ऑफ को इन्फ्रिंज कर रहे थे सेक्शन 10 में। वहीं सेक्शन 11 में हम उसके राइट ऑफ एंजॉयमेंट को क्या कर रहे हैं? इन्फ्रिंज कर रहे हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फर्दर ये सेक्शन आगे कहता है कि बट लेकिन इफ एनी सच डायरेक्शन, अगर मान लो कोई ऐसा डायरेक्शन है या कोई ऐसा टर्म एंड कंडीशन है जो कि ट्रांसफर के द्वारा इंपोज किया गया है,
इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ट्रांसफरर द्वारा कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज किए गए हैं जो कि दूसरे पीस ऑफ लैंड जो उससे रिलेटेड है, जो कि दूसरे पीस ऑफ लैंड जो कि उससे रिलेटेड है उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को सिक्योर करता हो, तो ऐसे सभी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, वैलिड होंगे। एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये मिस्टर ए का घर था। अब मिस्टर ए ने क्या किया, अपने इस घर का आधा हिस्सा मिस्टर बी को सेल कर दिया, क्योंकि घर बड़ा था, तो इसने क्या किया, इस घर का आधा हिस्सा मिस्टर बी को सेल कर दिया। तो यानी ये दो पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपने मिस्टर ए ने अपने बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, और मिस्टर बी को कहा कि कुछ भी हो जाए तुम इस वॉल को डिस्ट्रॉय नहीं करना, तुम इतने एरिया में रहना और मैं इतने एरिया में रहूंगा। तो यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसे सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसे सभी डायरेक्शंस क्या होंगे, वैलिड होंगे। क्यों, क्योंकि देखो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, यानी अपने इस प्रॉपर्टी के, और ये प्रॉपर्टी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अपने बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए जब वो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है उसी प्रॉपर्टी के, तो ऐसे सभी टर्म्स क्या होंगे, वैलिड होंगे। एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड था, ठीक है, अच्छा, अब इतने में जो है मिस्टर ए रहता था, इसने अपना घर बनाया हुआ था। अब इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को इसने मिस्टर बी को सेल कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो यहां पे इसका विंडो था, तो वेंटिलेशन के लिए हवा आता है। इसने मिस्टर बी को ये कंडीशन में ये वाला फील्ड सेल किया या ट्रांसफर किया। याद रहे कि ये जो सेक्शन 11 है जिसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, ये केवल सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज में ही एप्लीकेबल होगा, जहां एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है और हम उसके राइट ऑफ एंजॉयमेंट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पे मान लो इसने क्या किया, ए ने एक कंडीशन इंपोज कर दिया कि इतना पीस ऑफ लैंड छोड़ देना, थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड छोड़ देना, ताकि यहां से क्या हो, एयर आता है और प्रॉपर वेंटिलेशन इसे मिलता है, और बाकी इतने में तुम अपना घर बना लेना। तो देखो, फॉर सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, such terms and conditions will be valid, ठीक है, okay। I hope section 11 क्या कहता है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, clear? चलिए अब section 10 और section 11 में क्या difference है उसे हम समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। अब देखो कह रहा है कि अगर हम डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 को देखें तो दोनों ही सेक्शन में आपको एब्सोल्यूट वर्ड दिखाई देगा। जब आप प्रोविजंस पढ़ोगे तो वहां पे एब्सोल्यूट वर्ड आपको दिखाई देगा। सेक्शन 10 में जो एब्सोल्यूट है वो कंडीशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे हम कंडीशन इंपोज करते हैं कि आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो वहां पे सेक्शन 10 में जो एब्सोल्यूट है वो ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी, सेक्शन 10 में जो एब्सोल्यूट है वो कंडीशन से जुड़ा हुआ है, वहीं सेक्शन 11 में जो एब्सोल्यूट है आप देखो वो क्या है, ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप ट्रांसफर करोगे तभी तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है, तो यहां पे क्या है, ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, जो रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है एंड कंडीशन है इंपोज अंडर सेक्शन 10 इज रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन
एक्शन 10 में जिस कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। हम ऐसे कंडीशन इंपोज करते हैं जो कि क्या है, रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है ट्रांसफरी को कि वो फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है, यानी वहां हम उसके राइट टू डिस्पोज ऑफ को वायलेट करते हैं। क्लियर? आई होप कि ये जो सेक्शन 11 है और उसके जो प्रोविजंस हैं वो इस छोटे से वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।